Hey everyone, welcome to the channel. So in this video, we are going to do the concept of multiplier. Very, very important topic. Now, what is multiplier? Multiplier hota kya hai? In simple terms, multiplier ka matlab hai that whenever you are changing something, agar aap kisi bhi cheez ko change karte hain, to uska effect multiple times aata hai. That it means ki multiplier kaam kar raha hai. Let's see in terms of economics. Now, what is a multiplier? बहुत सारे economists ने ये बात प्रूव की है कि अगर economy में कोई injection हो या leakage हो. Now, in the previous videos, I have explained you the concept of injections and leakages. Investment, government का expenditure, exports, ये सब injection होते हैं, यानी कि ये हमारी economy के circle of flow को बढ़ाते हैं. Taxes, imports, ये सब leakages होते हैं, ये हमारी circle of flow of income को कम करते हैं. सो इकोनॉमिस्ट ने ये बात प्रूव की है दैट इफ़ देर इज़ एनी इंजेक्शन और लीकेज इन द इकोनॉमी तो नेशनल इनकम में प्रोपोर्शन से ज़्यादा चेंज आता है. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट बाय 100 रुपीज़, अगर मैं इकोनॉमी में 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रही हूँ, सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि नेशनल इनकम विल इंक्रीज मोर देन 100. लेट से नेशनल इनकम 200 रुपीज़ से इंक्रीज कर रही है, तो इस केस में हम कहेंगे कि मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 है. That means अगर हम कुछ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी नेशनल इनकम डबल हो जाएगी. दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर. बेसिकली इट इज़ अ प्रोपोर्शन और इट इज़ अ वैल्यू विच टेल्स दैट वॉट विल बी द चेंज इन द नेशनल इनकम इफ देर इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स और टैक्सेशन. इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं फ्रॉम द अल्फाबेट स्मॉल m, और ये हमें क्या दिखाता है? इट शोज अस द चेंज इन द नेशनल इनकम ड्यू टू द चेंज इन एनी स्पेंडिंग, राइट? सो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी मल्टीप्लायर, कोई भी मल्टीप्लायर हमें निकालना हो, द स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज चेंज इन नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन दैट स्पेंडिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना है, आई विल यूज़ द फॉर्मूला चेंज इन नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट. अगर मुझे एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर निकालना है, आई विल यूज़ द फॉर्मूला चेंज इन नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्सपोर्ट्स, राइट? दैट इज़ हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. इट सिंपली शोज चेंज इन द नेशनल इनकम ड्यू टू द चेंज इन एनी फैक्टर, राइट? सो डिफरेंट मल्टीप्लायर्स होते हैं. एज आई एम टेलिंग यू, एक इकोनॉमी में बहुत सारे इंजेक्शंस होते हैं और बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, और सभी का इम्पैक्ट हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे आता है. इफ़ देर इज़ अ चेंज इन द इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स और टैक्सेशन, ये सब हमारी नेशनल इनकम पे इफेक्ट डालने वाले हैं एंड मोर देन प्रोपोर्शनेटली. यानी कि इनका इफेक्ट जितना हमने वैल्यू से इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को चेंज किया है उससे ज़्यादा आएगा ऑन द नेशनल इनकम. सो बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन दीज डिफरेंट फैक्टर्स, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मल्टीप्लायर्स. So we have investment multiplier, we have government expenditure multiplier, we have export multiplier, we have import multiplier, and we also have tax multipliers. So we are going to study all these multipliers one by one. You just have to understand one multiplier carefully, all the others will automatically come very easily. So today in this video, I am going to explain you all about investment multiplier. So let's see. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एज सिंपल एज आई टोल्ड यू, मल्टीप्लायर क्या होता है? चेंज इन द नेशनल इनकम ड्यू टू द चेंज इन द स्पेंडिंग. यहाँ पे स्पेंडिंग क्या है? इन्वेस्टमेंट. सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है चेंज इन द नेशनल इनकम ड्यू टू द चेंज इन द इन्वेस्टमेंट, राइट? सो एम, इट इज एज इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, एम इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और वेरिएबल्स के थ्रू हम इसे डिनोट करते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. डेल्टा क्या होता है? चेंज. सो डेल्टा वाई मीन्स चेंज इन नेशनल इनकम एंड डेल्टा आई मीन्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. यहाँ तो हमने इसका सिर्फ फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. हाउ इज इट वर्किंग? लेट्स से अ पर्सन ए इन्वेस्ट्स 100 रुपीज़ इन द इकोनॉमी. लेट्स से एक पर्सन ने इकोनॉमी में 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, तो इसका मतलब है समबडी इन द इकोनॉमी हैज़ जनरेटेड द इनकम ऑफ रुपीज़ 100. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? लेट्स से ए पर्सन ने मशीन खरीदी है ऑफ रुपीज़ 100, तो मतलब उसने ये 100 रुपीज़, इट ही मस्ट हैव गिवन दिस 100 रुपीज़ टू समबडी. किसी को तो ये 100 रुपीज़ की इनकम जनरेट हुई होगी. लेट्स से दैट पर्सन इज बी.
और वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट इकोनॉमी में स्पेंड कर रही है और गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनाया है. लेट्स से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था 100 रुपीज़. सो ये 100 रुपीज़ किसी ना किसी की इनकम तो जनरेट हुई होगी. दैट इज़ हाउ इट हैपन्स. समबडीज एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज समबडी एल्सिस इनकम. किसी का खर्चा किसी और की इनकम होती है. सो इफ अ पर्सन इज इन्वेस्टिंग 100 रुपीज़ इन द इकॉनमी, दैट मीन्स समबडी हैज़ जनरेटेड द इनकम ऑफ 100 रुपीज़. क्लियर? और हम अजम्पशन अभी ले रहे हैं, लेट से एमपीसी इज 0.8. एमपीसी क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. वी हैव डन दिस ऑल्सो इन द प्रीवियस वीडियोज. एमपीसी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो इन दिस एग्जाम्पल वी टेक इट एज 0.8, दैट मीन्स 80%. दैट मीन्स अगर किसी पर्सन की 100 रुपीज़ की इनकम जनरेट हुई है तो वो उसमें से 80 रुपीज़ स्पेंड करेगा ऑन द कंजम्पशन. सो ये हमने कुछ अजम्पशन ले लिया है. नाउ लेट सी हाउ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज वर्किंग. सो पर्सन ए ने 100 रुपीज़ इकॉनमी में इन्वेस्ट किए. लेट्स से ये 100 रुपीज़ मिले पर्सन बी को, तो पर्सन बी की 100 रुपीज़ की इनकम जनरेट हो गई. नाउ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8, इट इज 80%. सो दिस मीन्स पर्सन बी विल स्पेंड 80 रुपीज़. राइट? नाउ कीप दैट इन माइंड. समबडीज एक्सपेंडिचर इज समबडी एल्सिस इनकम. सो ये 80 रुपीज़ किसी ना किसी की इनकम जनरेट हुई होगी. लेट्स से दैट पर्सन इज सी. सो सी की 80 रुपीज़ की इनकम जनरेट होगी. नाउ सी विल ऑल्सो स्पेंड 0.8, सो सी इज गोइंग टू स्पेंड 64. अब ये 64 लेट से डी की इनकम जनरेट हो गई है. डी इज गोइंग टू स्पेंड अगेन 80%, दैट मीन्स 51.2. सो वॉट आर वी ऑब्जर्विंग? वी आर ऑब्जर्विंग जस्ट विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 100, सिर्फ 100 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम 100 से ज़्यादा चेंज हुई है. नाउ इफ वी कैलकुलेट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में हम सभी इंडिविजुअल्स की इनकम को ऐड करते हैं. सो हेयर वी कैन सी इनकम इज इंक्रीजिंग मोर देन प्रोपोर्शनेटली. दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज वर्किंग. दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वर्क्स. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अब इसे एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. लेट्स से द कंजम्पशन फंक्शन इज 100 प्लस 0.75 y. हेयर द एमपीसी इज 0.75. एंड लेट्स से इकॉनमी में अभी इन्वेस्टमेंट है ऑफ रुपीज 100. सो लेट्स कैलकुलेट द नेशनल इनकम. नाउ वी हैव डन अकॉर्डिंग टू द केन्स मॉडल, नेशनल इनकम इज सी प्लस आई. सो इफ आई पुट द वैल्यूज 100 प्लस 0.75 y प्लस 200, आई विल कैलकुलेट दैट नेशनल इनकम इज 1200. नेशनल इनकम हमारी 1200 आ जाएगी. नाउ लेट्स से नाउ द इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इज टू 300. अब पहले इन्वेस्टमेंट 200 थी, हमने इन्वेस्टमेंट को अब 300 कर दिया. दैट मीन्स नाउ इन्वेस्टमेंट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 100 रुपीज़. लेट्स से लेट्स नाउ कैलकुलेट द नेशनल इनकम. अब हम इस 300 की वैल्यू से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं. द आंसर इज गोइंग टू बी सी प्लस आई. वी गोइंग टू पुट द वैल्यूज, द आंसर इज गोइंग टू बी 1600. सो वॉट डू वी ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व दैट बाई इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट बाई 100 रुपीज़, national income is increasing by 400 rupees. So this means the multiplier is working. This shows that investment ki wajah se national income mein multiple effect aata hai. This is called investment multiplier. Now let's see this with the help of the diagram. Hum ise diagrammatically bhi prove kar sakte hain. So here is a diagram. On x-axis we have national income and on y-axis we have all consumption, investment and demand. This is the aggregate supply line. I told you this is the national income line. This is a 45 degree line. ये है हमारी investment line. Investment fixed है 200. As I told you, investment autonomous investment होती है, so it is a horizontal line. ये है हमारी consumption line. Consumption is 0.75 y plus 100. Aggregate demand is C plus I. So if I do C plus I, this is going to be the aggregate demand line. And here I see, here is the equilibrium at point E. So the national income here is 1200. This is the initial status. Now let's say investment increases to 300. Ab meri investment 300 ho gayi hai. That means I plus delta I is 300. Here delta I is 100 rupees, right? Yani ki change kitna aaya hai? Change aaya hai 100 rupees ka. To total investment 300 ho gayi hai. So I plus delta I is 300. Ab yani ki meri aggregate demand badh jayegi, because aggregate demand will be C plus I plus delta I. Aggregate demand badh jayegi. And I see now the equilibrium is attained at point E dash. So, agar main ise drop down karungi, I will find out the national income will come out to be 1600.
Now what do we observe in this diagram? इस डायग्राम में क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट में सिर्फ इतना सा चेंज आया है, इन्वेस्टमेंट में सिर्फ इतना चेंज आया है, लेकिन नेशनल इनकम में उससे ज़्यादा चेंज आया है. एज वी कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, विद अ माइनर चेंज इन द इन्वेस्टमेंट द नेशनल इनकम हैज़ इंक्रीज्ड मोर देन प्रोपोर्शनेटली. दिस ऑल्सो टेल्स मी दैट द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज वर्किंग. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर. अब हमें फाइंड आउट करना है कि मल्टीप्लायर है कितना, कितने नंबर से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो रही है. वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम. सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम ओवर हियर. सो वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई. इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, वाई इज इक्वल टू सी को हम लिख देंगे ए प्लस बी वाई प्लस आई. नाउ आई एम नॉट यूजिंग एनी नंबर्स बिकॉज आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर एम. सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी नंबर्स ओवर हियर. सो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई प्लस आई. ये है हमारा इनिशियल स्टेटस. To this, I am going to mark as equation 1. इसे हम equation 1 mark कर देते हैं. Now, let's say investment increases by I plus delta I. Right? I explained you. अब हमारा investment बढ़ गया है. कितना बढ़ गया है? Delta I से बढ़ गया है. तो नया investment क्या हो जाएगा? I plus delta I. And I also note that the national income has also changed. National income has become Y plus delta Y. So now I'm going to put these values of I and Y in the equations. अब हम इन्हें equations में put करेंगे. So I'll get something like this. Now carefully observe. Y की जगह मैंने लिखा है Y plus delta Y. A remains same. Again यहाँ पे भी Y को replace किया है Y plus delta Y से. और I को we have replaced I plus delta I. I have replaced all the variables with the deltas now because the national income as well as the investments have increased now. So now what we have to do is we are going to subtract equation 1 from 2. अगर हम equation 1 को equation 2 से subtract कर देंगे, we will only be left with the delta variables. See, what will happen? Y and Y will get cancelled. A and A will get cancelled. BY and BY will get cancelled. And I and I will get cancelled. I will be only left with the delta terms. I will be only left with the delta terms. मेरे पास बचेगा delta y plus b delta y plus delta i. If you solve this, we will be left with only this. अब हम इसे further बहुत easily solve कर सकते हैं. I'll take the delta y variables to the left hand side. So this will become delta y 1 minus b is equal to delta i. और हमें पता है कि investment multiplier की value क्या होती है, delta y upon delta i. That is change in national income divided by change in investment expenditure. That was the value of multiplier. So it comes out to be 1 upon 1 minus b. Now is this 1 minus b clicking? Ye 1 minus b kya hota tha? B is marginal propensity to consume. So 1 minus b is marginal propensity to save. Yes, that's right. So the value of the multiplier is 1 upon marginal propensity to save. Ye hoti hai investment multiplier ki value. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 80% है तो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना हो जाता है 20%. सो 1 अपॉन 0.2 इज 5. इस केस में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी 5. लेट्स क्रॉस चेक ऑल दिस. नाउ वी आर गोइंग टू क्रॉस चेक एवरीथिंग. तो जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने लिया था हम उसी को ले लिए. प्रीवियस क्वेश्चन में आई टुक सी इज इक्वल टू 0.75 प्लस 100. तो यहाँ से मुझे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मिल गया है. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.75. आई कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम पी एस. द वैल्यू ऑफ एम पी एस इज 0.25. नाउ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1 अपॉन एम पी एस, 1 अपॉन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 आंसर. यानी कि इन दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4. यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट पे 100 रुपीज़ का चेंज आया है तो नेशनल इनकम में 400 का चेंज आना चाहिए. इज दैट व्हाट हैपेंड? यस. इन द प्रीवियस एग्जांपल व्हेन वी इंक्रीज्ड द नेशनल इनकम बाय 100, व्हेन वी इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट बाय 100, द नेशनल इनकम वी सॉ इट इंक्रीज्ड बाय 400 इटसेल्फ. हमारी नेशनल इनकम तब 1200 से 1600 हो गई थी. सो वी सॉ दैट द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर इज 4. सो इन सिंपल टर्म्स द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, in simple terms the value of investment multiplier is 1 upon marginal propensity to save. This is the value of investment multiplier. I hope this is clear to all of you.
एंड वन लास्ट थिंग कीप इन माइंड, इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, अगर आप टू सेक्टर इकोनॉमी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है. एज आई टोल्ड यू इनिशियली, मल्टीप्लायर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट मल्टीप्लायर्स. लेकिन क्योंकि टू सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट नहीं होती है एंड फॉरेन सेक्टर नहीं होता है, तो बाकी सारे मल्टीप्लायर्स ऑपरेट करेंगे ही नहीं. सो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी यू आर ओनली गोइंग टू हैव इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. क्लियर? सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक इट प्लीज गिव अ थम्स अप एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक इट. थैंक यू सो मच एवरीवन.